दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि मेमोरी कैसे आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को मतलब कि बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने अपने डिवाइस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। आपको ऐसा फील हुआ होगा कि जैसे आप नया डिवाइस परचेज करते हो तो उस समय तो आपका डिवाइस सही चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपका डिवाइस की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाती है। तो इन सब के बारे में बात करूँगा और कैसे अपने डिवाइस की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं, स्पेशली कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए। तो इन सब के बारे में बात करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंबुज, आप देख रहे हैं जीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून एंड लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो आपका मतलब कि आपका कंप्यूटर होता है या लैपटॉप है, उसमें सीपीयू, रैम और आपका इंटरनल मेमोरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इन सब में जो बॉटल नेक का काम करता है वो आपका हार्ड डिस्क है, या तो आप हार्ड डिस्क लगाए हुए या एसएसडी लगाए हुए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका रैम है, सपोज करो कि आपके लैपटॉप में या आपके पीसी में DDR4 रैम है, और जिसकी जो क्लॉक स्पीड है 3200 MHz है, तो उसकी जो स्पीड है वो नियर अबाउट 25 GB/s स्पीड होगी। तो आप समझ लो कि जो आपका रैम है वो गीगाबाइट्स की स्पीड दे रहा है, 25 GB/s की स्पीड दे रहा है, और आपका जो जो सीपीयू है इसका इससे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। जो आपका हार्ड डिस्क है, या तो एचएसडी होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, या एसएसडी होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा, तो जो इनकी स्पीड है मैक्सिमम 2 से 3 GB तक का है। लेकिन नॉर्मली सब लोग लेकिन नॉर्मली जिन लोग जो लोग लगाते हैं एसएसडी लगाते हैं, उनकी स्पीड 550, 600, 700 या 1 GB/s होता है। तो आप समझ लो कि जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है, तो क्या होता है कि जो आपके इंटरनल मेमोरी में जो आपके एप्लीकेशन सेव है वो रैम तक जाते हैं, और रैम से फिर आगे फर्दर प्रोसीड होता है। तो कभी भी आपको सीपीयू को कोई एप्लीकेशन को रिकॉल करना होता है तो वो रैम के थ्रू रिकॉल होता है। आप सपोज करो कि रैम के पास जितना जल्दी जगह डेटा जाता है वो उतना जल्दी प्रोसेस करता है। तो इन सब चीज़ों में जो लेटेंसी आती है, टाइम लगता है, उसी की वजह से आपके जो डिवाइस का परफॉर्मेंस होता है डाउनग्रेड होता है। अगर किसी भी वजह से अगर आप इन सब चीज़ के परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देते हैं, मतलब कि अगर जो आपके इंटरनल ड्राइव में डेटा है वो तुरंत आप रैम तक भेजें और रैम उसको आगे जल्दी प्रोसीड कर ले, तो आप कैसे भी करके अपने डिवाइस की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। दोस्तों, पीसी के लिए नहीं, लेकिन लैपटॉप के लिए तो बता सकता हूँ कि लैपटॉप में आप ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते। आपका सीपीयू फिक्स होता है, आपका जीपीयू फिक्स होता है, आप सिर्फ रैम और अपने जो हार्ड ड्राइव होता है उसको चेंज कर सकते हैं। तो रैम और हार्ड ड्राइव चेंज करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप अपने से मत करना इसको, क्योंकि जब आप अपने से करोगे और आपको एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं होगा तो हो सकता है कि आप गलत रैम सेलेक्ट कर लो और गलत हार्ड ड्राइव या एसएसडी सेलेक्ट कर लो। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप हार्ड ड्राइव जो सेव करते हैं वो हमेशा एसएसडी सेलेक्ट करें। एसएसडी होता है जो नॉर्मल एचएसडी होते हैं उनसे 10 टाइम्स फास्टर होता है। तो आप कभी भी ऑनलाइन परचेज नहीं करें अनलेस कि आप एडवांस यूजर हो। एडवांस यूजर हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको इस सब चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप सिंपली अपने लैपटॉप या सीपीयू के साथ किसी रिपेयर शॉप पे जाएं और वहाँ पर अपने दिखाएं अपने सीपीयू को। उसको जो रिपेयर शॉप पे होगा उसको पता हुआ है कि आपको कौन सी रैम स्टिक लगानी है, कितना कितना क्लॉक स्पीड वाली रैम स्टिक लगानी है, कितनी क्लॉक स्पीड वाली आपका रैम सपोर्ट करता है आपका मदरबोर्ड, वैसे ही कौन से एसएसडी लगाना है। एसएसडी में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपका बायोस सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ये सब चीज़ जानने के बाद फिर आप अपने लैपटॉप में एसएसडी या रैम अपग्रेड करोगे तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़ने वाली है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब आप हार्ड डिस्क लगाते हो तो एसएसडी लगाओगे, तो जो एसएसडी लगा रहे हो वो तो उसको आप क्या करें कि उसमें आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर लें, एप्लीकेशन वगैरह सबको उसमें इंस्टॉल करें, और जो आपका पहले से हार्ड डिस्क लगा हुआ है वो हार्ड डिस्क को क्या करें कि अगर आपके लैपटॉप में सीडी रोम है, सीडी लगाने वाला जो होता है वहाँ से उसको निकाल के, सीडी वाले को निकाल के, और एक माउंट आता है उस माउंट में अपने जो पुराने वाले हार्ड डिस्क है उसको रख के आप उसको लगा सकते हैं। वो काफ़ी अच्छे सपोर्ट करता है। सपोज करो कि आपके पास पहले से 500 GB का हार्ड ड्राइव है और आपने 120 GB का SSD परचेज कर लिया, तो SSD जो लगेगा आपके जो पहले से लगा हुआ था हार्ड ड्राइव उसकी जगह पर लग जाएगा, और जो पहले से आपका हार्ड ड्राइव है वो सीडी वाले में चला जाएगा, वो एक माउंट के साथ चला जाता है और दोनों काम करते हैं। तो वैसे में आपका 500 GB और प्लस 120 GB 620 GB का पूरा हार्ड ड्राइव हो जाएगा। उसमें जो आपका 500 GB है उसको एक्सटर्नल ड्राइव की तरह काम करेंगे,
इनफैक्ट वो आपके सीपीयू में हमेशा, आपके जो सिस्टम में हमेशा अटैच रहेगा, आपके कंप्यूटर में हमेशा अटैच रहेगा और वो अच्छे से काम करता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि मेमोरी के रिगार्डिंग है कि सपोज करो कि ये जो SSD होते हैं और HDD होते हैं, ये दोनों में इनका एक फिक्स्ड लाइफ साइकिल होता है, टाइम होता है। एक टाइम के बाद ये क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, काम करने बंद कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हो, आपके जो हार्ड डिस्क है उसमें कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, वो उस हिसाब से आप उसको बैकअप लेना है। अगर इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा स्टॉक होगा तो आप उसको एक जगह तो आप अपने सिस्टम में बैकअप रखे और दो जगह और बैकअप रख लिए और वो कहीं और जगह रखे। जैसे हार्ड डिस्क होते हैं, जो HDD होता है वो तो काफ़ी फ्रेजाइल होता है, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी गिरा हो रहा है तो उस वो ख़राब होने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन SSD को इस तरीके से बनाया गया है कि हल्का अगर गिरता उड़ता भी है तो उसके चांसेस हैं ख़राब होने के कम, लेकिन ख़राब हो सकता है। अगर ख़राब हो जाता है तो ये डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ है, कि डेटा रिकवरेबल है या नहीं है। अगर डेटा रिकवरेबल नहीं है तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि हार्ड डिस्क से इम्पोर्टेंट उसके अंदर का डेटा होता है। अगर आपके पास बैकअप होगा तो आप उसको आराम से रिकवर कर पाएंगे। तो ये चीज़ देख लेना है कि नॉर्मली 3 से 5 साल का वो मतलब कि आपको वारंटी देते हैं, लेकिन उस केस में क्या है कि वो आपको नया हार्ड डिस्क थमा देंगे, वो आपके अंदर के डेटा को रिकवर नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो हो सकता है आप परेशानी में पड़ जाओगे। आपके पास बैकअप रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब बात करना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास 500 GB का SSD है, तो 500 GB के SSD में एक होता है कि आप उसका लाइफ साइकिल कैसे काउंट करते हैं। तो लाइफ साइकिल उसमें लिखा होता है कि 500 GB के हार्ड डिस्क में आपका एक होता है 2000 से 2400 तक, एक होता है TBW होता है, उसका होता है टेराबाइट्स रिटेन होता है। इसका मतलब कि आप 500 GB के हार्ड डिस्क में आप 2000 से 2400 TB तक के डेटा को आप उसमें राइट कर सकते हैं। अब कैसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपका 500 GB का हार्ड डिस्क है और उसमें 2400 TB का डेटा कैसे राइट करेंगे। तो आप समझ करो कि अगर 500 GB का हार्ड डिस्क है तो आप उसको दो बार, मतलब एक बार फुल कर दिया, फिर डिलीट किया, फिर फुल किया, आपने राइट किया, तो दो बार राइट करने के बाद एक 1 TB का बन जाता है। मतलब 1 TB मतलब कि 1000 GB इक्वल टू 1 TB नहीं होता है, 1024 GB इक्वल टू 1 TB होता है एक्चुअली में। तो आप समझ लो कि 1 TB का टेराबाइट आपने 1 TB का भर दिया, तो वो ऐसे करके आप 2400 TB भर सकते हो। अब ये कितने दिन में भरोगे आप पे डिपेंड करता है। मैं तो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अनवांटेड स्टॉप अपने हार्ड डिस्क में कभी ना भरें, क्योंकि अगर आप अनवांटेड स्टॉप भरते हो तो आप उसकी जो मेमोरी की एक लाइफ साइकिल है वहां तक पहुंच रहे हैं और हो सकता है कि एक टाइम के बाद खराब होगा। अब खराब होता है हार्ड डिस्क तो क्या सिग्नल आते हैं, तो वो बार बार आपका ब्लू स्क्रीन दिखेगा, मतलब कि क्या है कि वो आपका चलते चलते आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा और एक ब्लू स्क्रीन आता है। तो ब्लू स्क्रीन आने का सिंपल एक वजह यही नहीं होता है कि आपका हार्ड डिस्क खराब हो गया, और भी वजह हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ है कि जैसे मान लो कि हार्ड डिस्क की नॉर्मल स्पीड होती है, जो SSD की स्पीड होती है, वो 500 मेगाबाइट्स के आसपास होती है, 500, 600, 700, 1 GB तक हो जाती है मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो उसका स्पीड ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, ड्रास्टिकली का मतलब कि 500 से हो जाएगा सीधे 10 पे आ जाएगा, 20 पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो SSD है ख़राब होने वाला है, आप तुरंत उसको अपग्रेड कर लें, नहीं तो कभी हो सकता है कि चलते चलते वो एकदम बंद हो जाए और फिर आप उसको डेटा भी रिकवर ना कर पाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप SSD में कोई भी चीज़ फाइल को कॉपी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो क्या करें कि मतलब कि बड़े चंक्स में ना करें। ऐसे नहीं 300 GB का डेटा एक साथ को उसमें राइट करा रहे हो, आप छोटे छोटे चंक्स में राइट कराएं। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अगर बड़े चंक्स में आप डेटा को रीड करा रहे होते हैं या राइट करा रहे होते हैं, तो उस केस में अगर मान लो कि कॉपी फुल, मतलब राइट करने का प्रोसेस फुल नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, और बीच में किसी वजह से आपका जो मतलब कि आपका सिस्टम है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है, तो बार बार ऐसे होने से डेटा के करप्ट होने के चांसेस हैं, और हो सकता है इन डेट केस कि आपका जो SSD है वो भी करप्ट कर जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, छोटे छोटे चंक्स में कभी भी आप अपने डेटा को सेव कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। उसके बाद भी अगर कोई आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।